गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के इन योर माइंड नॉलेज में। इस वीडियो में आपको बताएंगे 23 फरवरी 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण कोरिया में सोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, यह पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन से नंबर के भारतीय बन गए? इसका आंसर है पहले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण कोरिया में सोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। पीएम मोदी को यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी आर्थिक नीतियों और विकासमुखी कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इसे 130 करोड़वासी भारतवासियों का सम्मान बताया है। पीएम मोदी से पहले यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अनानान व बान की मान को भी मिल चुका है। आपको बता दें कि पुरस्कार समिति ने भारत में अमीर और गरीबी के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करने के लिए उनकी मदोन्मुख को सहारा है। सियोल शांति पुरस्कार सांस्कृतिक फाउंडेशन के चेयरमैन कवान ई हायोग की अध्यक्षता में सियोल के जंगयून में उनकी चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने अंशधारकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं पर कितने प्रतिशत ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की? इसका आंसर है 0.10%। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने अंशधारकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं पर 0.10% ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की। ईपीएफओ की घोषणा के अनुसार पीएफ खातों पर अब 8.55 के स्थान पर 8.65% ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की सिविल सेवा के नियम 1995 के नियम 5A को रद्द कर दिया है? इसका आंसर है बिहार सिविल सेवा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सिविल सेवा के नियम 1995 के नियम 5A को रद्द कर दिया है। रिक्रूटमेंट रूल 1995 के नियम 5A के तहत पहले आरंभिक परीक्षा में बैठने वाले 10 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा व नवीन सिन्हा की पीठ ने फैसले में कहा है कि यह नियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर असम राइफल को पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और किस राज्य में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या किसी की भी तलाशी लेने का अधिकार दिया है? इसका आंसर है मिजोरम। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर असम राइफल को पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या तलाशी ले जाने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम से कम लोगों का इस्तेमाल कर कुंभ और हज जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में भगदड़ रोकने की मदद के लिए एक एल्गोरिथम बनाया है? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम से कम लोगों का इस्तेमाल कर कुंभ और हज जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में भगदड़ रोकने में मदद के लिए एक एल्गोरिथम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने लोग धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं? इसका आंसर है 4 करोड़ लोग। आपको बता दें कि हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग धातु प्रदूषित पानी ग्रहण कर रहे हैं। यह लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं जिसमें किसी न किसी रूप से धातु मिली हुई होती है। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि दूषित जल में पाए जाने वाले प्रमुख धातुओं में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट है। धातु प्रदूषित जल आंकड़ों में पश्चिम बंगाल और राजस्थान टॉप पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किस स्थान पर स्थित हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर है चेन्नई। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि गांधी ने हमेशा उत्तर भारतीयों से दक्षिण राज्यों की भाषाएं एवं लिपियां सीखने का अनुरोध किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी ने एयर इंडिया 2019 में F-29 लड़ाकू विमान के संशोधित रूप को पेश किया? इसका आंसर है लॉकहीड मार्टिन। आपको बता दें कि रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2019 में F-21 मल्टी रोल लड़ाकू विमान का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है अशोक दिलवाली। आपको बता दें कि सातवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक दिलवाली को दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सातवें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार वितरण की। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में सातवें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया था। प्रोफेशनल श्रेणी में थीम थी महिलाओं के नेतृत्व में विकास थी, जबकि अमेचर श्रेणी की थीम थी भारत के मेले व उत्सव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की समाचार एजेंसी सिन्हाओ ने दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया? इसका आंसर है चीनी समाचार एजेंसी। आपको बता दें कि चीनी समाचार एजेंसी सिन्हाओ ने दुनिया की पहली महिला एमआई न्यूज एंकर सिन जिहोवोमिंग का अनावरण किया। इसे खोज इंजन कंपनी सोहोंग इंक की सहयोग से विकसित किया गया। इससे पहले सिन्हो ने नवंबर 2018 में आयोजित वुनझेव में विश्व इंटरनेट सम्मेलन में दुनिया के पहले पुरुष एआई न्यूज एंकर क्यू हाओ को विकसित किया था, जो समाचार रिपोर्टर्स को पढ़ते हुए मानव चेहरे के हावभाव और तरीकों की नकल करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में KPBTO नाम से पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया? इसका आंसर है केरल। आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनानाई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर के रूप में KPBTO के नाम से भारत के पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया। रोबोट को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिला घोषित किया गया। आपको बता दें कि 2018 के कोकुन साइबर सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि रोबोट्स को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद से परियोजना पर राज्य पुलिस साइबरडोम और कोच्चि स्थित स्टार्टअप एसिमियो द्वारा कार्य शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीके इन योर माइंड ऑलवेज यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।